नजर डालते हैं अब तक की खास गतिविधियों पर। डिजिटल मार्केटिंग की दिग्गज कंपनी हरियाणा स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग ने मनाया गणतंत्र दिवस समारोह। डिजिटल मार्केटिंग के शहंशाह कंपनी HSIM के डायरेक्टर नवनीत गुप्ता के मार्गदर्शन में यह आयोजन किया गया। इस मौके पर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी HSIM के डायरेक्टर नवनीत गुप्ता ने अपने विचार रखे। इस मौके पर डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए युवाओं ने भी अपने विचार रखे। अपने जो भी स्किल्स है, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं वो करें। मैं जॉब के सख्त खिलाफ हूँ। आप बिजनेस करें, आप जॉब्स प्रोवाइड करें। जैसे अमेरिकन सबसे ऊपर है तो वो बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, बट एक और जो बराक ओबामा ने कहा है वो फॉलो करते हैं, वो ये है, लेट अस पिक आवरसेल्फ्स अप। पहले अपने आप को खड़ा करो, घर से बाहर निकलो। हम यही सोच के डर जाते हैं, हमारी लिमिटेशंस है, हम आपको एक आगे स्टेप देते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा लेट अस पिक आवरसेल्फ्स अप, डस्ट आवरसेल्फ्स ऑफ। अब जो तुम्हारे नेगेटिव वाइब्स है उसको हटाओ, पहले अपने आप को खड़ा करो, लेट अस पिक आवरसेल्फ्स अप, डस्ट आवरसेल्फ्स ऑफ। और फिर उसमें कम फॉरवर्ड विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, और फिर तुम आगे आओ एक करेज और डिटर्मिनेशन के साथ, ताकि दुनिया को भी पता लगे कि तुम्हारे अंदर कुछ है करने को और तुम कुछ कर सकते हो अपने देश। यहाँ कुछ जिसका नाम हमेशा अक्सर लेना भूल जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन दिन रात मेहनत करके ऐसा संविधान लिख के दिया जिसके अंदर हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना मजबूत बनाया गया कि कोई भी देश हमारे देश आगे, हमारी देश जो रियासतें थी उस टाइम में, बट हम जिन्हें हम स्टेट के नाम से जानते हैं, उनको ना अलग कर सके। तो मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की याद में, क्योंकि हमें इस दिन के दिन महापुरुष का नाम भी लेना बहुत जरूरी है। वो जा गा रहा था प्रेम से वो शब्द वंदे मातरम, था मुख में वंदे मातरम और मन में वंदे मातरम, रक्त में भी बह रहा था शब्द वंदे मातरम। आजादी का जुनून था, आजादी का जुनून था, आंखों में धधकता खून था, मस्ती में मगर वो झूम था, गाता हुआ वो जा रहा था गीत वंदे मातरम। धाए धाए हो रही थी, धाए धाए हो रही थी, पर उसे परवाह न थी, धीरे धीरे गा रहा था शब्द वंदे मातरम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिशन है डिजिटल इंडिया, उसमें सही भागीदारी HSIM ही कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे चैटिंग करने से डिजिटल नहीं हो जाते, डिजिटल इन द सेंस कि आप इसके माध्यम से अर्निंग भी कर सकते हैं और पूरा वर्ल्ड आपके सामने ओपन है। वर्ल्ड मीन यूएस, कनाडा, मीन्स आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल हो और एक थोड़ी सी टेक्निकल स्किल हो, दोनों के मिक्सचर से, दोनों के कम्बिनेशन से हम अर्न कर सकते हैं। वैसे तो गणतंत्र दिवस हम लोग सब जानते हैं, ये अपने आज के दिन रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, इस बारे में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे इस बारे में कि आज हम अपने लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर और किन किन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक सिर्फ वो ही स्टडीज और वो ही कोर्सेज नहीं है लाइफ में करने के लिए, इसके अलावा भी बहुत कुछ है आज के टाइम में। लाइक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम यूट्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, ब्लॉगिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक को इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने करियर को आज से ज्यादा बेटर करने के लिए। लेकिन इन सारी अपॉर्चुनिटीज के होते हुए भी हमारे देश के अंदर, हमारे आज सोसाइटी के अंदर इतना कुछ, मतलब होते हुए भी हम लोगों के पास रास्ते नहीं है कि हम लोग कैसे इन चीजों को शुरू करें। तो आज इस HSIM टीम ने, मिस्टर नवनीत कुमार ने एक सभी के लिए अपॉर्चुनिटी रेडी की है, सबके लिए तैयार की है, उसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इनसे आके आप मिलिए, इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए आके, ये आपको उन सब चीजों के बारे में A to Z गाइडेंस देंगे कि बच्चे किस तरीके से हम लोग किस तरीके से शुरुआत की जा सकती है, किस तरीके से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लाइक मैं भी अपनी बात कर दूं खुद की, मैं भी इसी तरीके से शुरू किया था, छोटा छोटा यूट्यूब से सीखना, ब्लॉग्स पढ़ना और वीडियोस बनाना, यूट्यूब पे काम कर रहा है, सब चीजों की शुरुआत मैंने भी काफी साल पहले की थी। लेकिन आज डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ही मैंने एक अच्छी अर्निंग की और आज भी कर रहा हूँ, इतनी कर लेता हूँ, सरकारी नौकरी वाला भी नहीं करता। HSIM की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बी पुष्टि न्यूज का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। HSIM हरियाणा स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग के नाम से हमने यहाँ पे करनाल के अंदर ये संस्था शुरू करी है। दिस इज ए सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का काम जो होता है एक एनजीओ की तरह होता है,
कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर करना, डिजिटल अवेयरनेस करना, वहाँ के लोगों को समझाना कि कैसे आप इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, कैसे यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, कैसे कंटेंट राइटिंग करके कमा सकते हैं, कैसे फेसबुक के थ्रू कमाया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम अपने अपने कोर्स के अंदर सिखाते हैं। इसके अलावा आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हमारा यह प्रोग्राम करने का मेन मकसद ये रहा कि इससे बढ़िया दिन कोई हो नहीं सकता। गणतंत्र दिवस अपने आप में एक सिस्टम, जो हमारी देश का सिस्टम बना उसको रिप्रेजेंट करता है, कि वहाँ का संविधान, हमारे संविधान है उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसी तरह से हमने अपने यहाँ पर ये शुरुआत की है, HSIM में जो शुरुआत की है, हमारा मेन फोकस ये रहता है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट बने, वो कल को जो अगर अपनी जॉब करना चाहता है तो जॉब कर सके, बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस कर सकता है, वो घर बैठकर भी पैसे कमा सकता है। हम उसको इस लायक बनाते हैं कि वो कल को इंडिपेंडेंटली बोल सकता है कि मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है कि वो पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वो पैसे कमा सकता है अपने सिंगल हैंडल्ड, अपने उसके पास सिर्फ लैपटॉप होना चाहिए और वो अपना घर बैठकर भी पैसे कमा सकता है।